नमस्कार, मैं हूं अजीत काम्बोज और आज मैं हूं समाचार प्लस के चुनावी घुमक्कड़ के किरदार में। इस वक्त हम पहुंचे हैं पौड़ी जनपद की श्रीनगर विधानसभा में, जहां पर चुनाव से पहले जनता का क्या है मिजाज, 2012 के जो उनके साथ वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए हैं या अभी भी धरातल पर काफी कुछ बदलने की जरूरत है। लोग हमारे साथ हैं, सामान्य जनता जो विधानसभा क्षेत्र की। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, विधानसभा के चुनाव होने, एक आम नागरिक के तौर पर आप क्या कुछ समस्याएं देखते हैं श्रीनगर विधानसभा? वर्तमान में यहाँ पे हमारे जो विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, गणेश दुधाल जी। श्रीनगर क्षेत्र की मैं पांच प्रमुख समस्याएं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो स्वास्थ्य संबंधी हमारे बेस हॉस्पिटल यहाँ पे है, ये चार जिलों को फिट करता है। वर्तमान में यहाँ पे भारी डॉक्टरों की कमी है, ना तो यहाँ पे रेडियो है, ना यहाँ पे कार्डियो है, ना यहाँ पे न्यूरो है। और यहाँ पे एक गायनो डॉक्टर थी, उसको ये यहाँ से उठा के देहरादून ले गए। तो मैं समझता हूँ कि एक स्वास्थ्य संबंधी बहुत बड़ी हमारे यहाँ पे कमियां हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि श्रीनगर शहर में जब ये डैम का निर्माण हुआ था तो उस समय ये तय हुआ था कि श्रीनगर शहर के लिए एक नई पेयजल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे कम से कम 1.5 लाख लोग जो है इस पानी को पीते हैं। लेकिन वर्तमान में जो है बहुत गंदे पानी की सप्लाई हो रही है यहाँ शहर में, और जिससे जो है 3 माह पूर्व जो है कई बीमारियां यहाँ पे, जो टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया, कई चीजें इसमें फैली हैं। तीसरी मैं कहूँगा, यहाँ पे हमारा एक ITI 2013 में आपदा में दब गया था, लेकिन कई गरीब बच्चे ऐसे जो NIT नहीं कर पाते, पॉलिटेक्निक नहीं कर पाते, वो ITI के माध्यम से ITI करते हैं और फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। सर, आपसे जान लेते हैं, आपको क्या कुछ लगता है जो वादे 2012 में किए गए थे क्या हकीकत नजर आती है? मैं आपको थोड़ा इसी जहां हम खड़े हैं सामने मैदान जो है GNTI का, इस मैदान की जो लागत है 3.5 करोड़ रुपया रखी गई थी और इसका काम निर्माण निगम ने किया, और मैं भी निर्माण कार्य से जुड़ा व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है नहीं कि इस पे जो आपके सामने ये सब दिखाई दे रहा है, आप सब कैमरा उधर भी घुमाएंगे तो आपको ये लगेगा कि इसमें कम से कम 2 करोड़ का घोटाला मुख्यमंत्री, विधायक और यहाँ के जो सरकारी शासन है उनके द्वारा हुआ है। जी, तो घोटाले के आरोप लग रहे हैं श्रीनगर विधानसभा में कि घोटाले किए गए हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जान लेते हैं, लगता है स्वास्थ्य, बिजली, पानी जो एक मूलभूत समस्या या सुविधा गिनी जाती है, उसमें क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत बड़ी समस्या श्रीनगर में है। मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से भी यहाँ के विधायक जो गोदियाल जी हैं उनसे बात करी थी। गोदियाल जी का कहना था कि मेरे कार्य क्षेत्र में ये नहीं आता है, जबकि एक विधायक का ऐसा कोई कर्तव्य नहीं होता है कि इस चीज को मना करे। क्या पब्लिक ने इसलिए चुनके भेजा है कि अपने कर्तव्यों से मना करें कि मैं इस काम को नहीं करूंगा? ये यहाँ पे डॉक्टरों की, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया आपको कि यहाँ पे डॉक्टरों की भारी कमी है, वास्तव में ही बहुत कमी है। हमारे भौगोलिक स्थिति इस ढंग की है कि रोज आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, जबकि यहाँ पे ना कोई कार्डिया में डॉक्टर है, ना कोई न्यूरोसर्जन है, ना कोई किसी तरह के, मतलब हॉस्पिटल क्या है, नाम का हॉस्पिटल है। ये हमारे खंडूड़ी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जब खंडूड़ी जी ने इस हॉस्पिटल को बनाया था बहुत बढ़िया डॉक्टर यहाँ पे आए थे। आज जो आप जाकर देखेंगे कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। चलिए, स्वास्थ्य की बड़ी समस्या निकल के आई है श्रीनगर विधानसभा में। बेस अस्पताल जरूर है लेकिन दिक्कतें बेशुमार हैं, और भी लोग। भैया, आपसे जान लेते हैं, आप क्या कुछ कहेंगे सर इस चीज को लेकर, जो यहाँ की समस्या है श्रीनगर पर्टिकुलर विधानसभा की बात की जाए, उसको ये क्या स्थिति है? मुझे तो नहीं लगता कि श्रीनगर में कोई समस्या है, पर यदि हमारे साथ ही लोग कोई समस्या बता रहे तो शायद उनके हिसाब से समस्या होगी। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। बात स्वास्थ्य की जाए तो उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे, चिकित्सा मंत्री थे, वो आज भाजपा में है, तो मुझे ये लगता है कि उनकी सोच पहले से इसी प्रकार से रही है कि विकास कार्य नहीं करने हैं, इसलिए वो भाजपा में भी गए हैं। और दूसरी बात शिक्षा की जाए तो यहाँ के जो विधायक हैं गणेश गोदियाल जी, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास कार्य किए हैं, बहुत स्कूलों का उच्चीकरण किया है। तीसरी बात, यदि रोडों की बात की जाए तो रोडों के उन्होंने यहाँ पे जाल बिछाए हैं, इसलिए उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। जी, काम कई किए गए हैं। सर, आप क्या कहते हैं इन चीजों को लेकर, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक सामान्य नागरिक आम जनता के तौर पर आपको क्या स्थिति है? उत्तराखंड बने हुए करीब करीब 16 साल पूरे हो चुके हैं, और दुर्भाग्य हमारा कि जब हम यूपी में थे कंपेयर करें देखिए, विकास की कोई सीमा नहीं है, और विकास यदि हमें जितना भी हो जाए संतुष्टि किसी मानव को होती नहीं है। हम वैसे देखें तो विकास क्यों नहीं, उत्तराखंड का विकास जरूर है, लेकिन जिस सीमा तक विकास होने चाहिए थे जरूर उस सीमा तक नहीं हुए हैं। हाँ, जहां तक 2 मुद्दे में बात छेड़ूंगा, एक स्वास्थ्य की जरूर बोली उन्होंने, क्योंकि यहां पर सरकार ने कोई भी इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं की हुई कि हमने स्विच ऑन किया और मरीज हमारा जो कोई कैजुअल्टी का मरीज है देहरादून शिफ्ट हो गया या बाहर हाई सेंटर में रिफर हो गया। डॉक्टर्स पहले मरीज यहाँ बाद में आता है, सीवर मरीज पेशेंट बाद में आता है, डॉक्टर पहले उसको रिफर करते हैं। जैसे यहाँ पे किसी सरकार ने यहाँ पे हेलीकॉप्टर रखा हो, हेलीकॉप्टर उड़ के हो देहरादून चले जाए, इलाज करा। मैं कहता हूं जब तक यहां के मंत्री, मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेसी, विधायक जब तक श्रीनगर गढ़वाल में खुद रहना शुरू नहीं करते, इनके बच्चे जब तक यहां के स्कूल में नहीं पढ़ते, इनके बच्चों का, इनका परिवार के इलाज जब तक यहां के सरकारी अस्पताल में नहीं होता, तब तक यहां की व्यवस्था नहीं सुधर सकती, ये निश्चित है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो झील बने हुए आज करीब 8 साल इस डैम को बने हो गए। हमने सुना था 2008 से सुनते आ रहे हैं यहां पे झील बनेगी, वहां पे वाटर स्पोर्ट्स होगा, यहां पे लैगून्स बनेंगे, यहां पे मैरीन ड्राइव बनेगी। मुझे नहीं लगता कहां चले गए, सब सपने सपने रह गए, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे यहां पे कांग्रेस की सरकार रही हो। मैंने किसी को यहाँ पे आज सुनते सुनते आया कि अब झील बनने वाली, मैरीन ड्राइव बनने वाला है, वो सपनों सपनों में रहेगी। सर, आपसे जान लेते हैं, आपको क्या कुछ कहना है, श्रीनगर विधानसभा की क्या स्थिति नजर आती है ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में?
चुनाव के परिप्रेक्ष्य में तो श्रीनगर में जो है कांग्रेस नंबर वन पे रहेगी, ये आज भी हर आदमी इसको मानता है, क्योंकि जो गणेश गोजाल जी है उन्होंने जो है एक तो किसी को भी जो है नजरअंदाज नहीं किया है, हर जगह उन्होंने विकास कार्य को इतना अंजाम दिया है कि आज क्षेत्र की जनता ये बोल रही है कि अगर कोई विकास पुरुष यहाँ पर आया है तो गणेश गोजाल आया है, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से देख ले, चाहे वो विकास की दृष्टि से देख, रोडों का तो यहाँ ऐसा जाल बिछ गया है कि 15 किलोमीटर जो है आपका जो है कभी डोंगरी बंद और ये जो छाती खान वाला मार्ग था, ये बरसात के दिन में जो रुद्रप्रयाग जनपद है और जो चमोली जनपद है यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड हो जाता था ये सिरोबगड़ के पास, तो इसको जो है उन्होंने सबसे पहले जो 15 करोड़ को अपनी उसमें रखा और जिससे कि वो आज जो है पूरा चौड़ीकरण आप कभी भी उस क्षेत्र में जाएंगे तो ये देख लेंगे। उसके बाद जो है उन्होंने जो है यहाँ पर चाकी सैन जो तहसील है उसकी स्थापना करी, राठ क्षेत्र का किया, NIT का यहाँ उन्होंने काम कर किया। राठ क्षेत्र की बात भैया आपसे जान लेता हूँ, राठ का मुद्दा भी काफी गर्मा है विधानसभा क्षेत्र में, उसकी क्या स्थिति नजर आ रही है? राठ का मुद्दा तो खैर ऐसा कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन गोजाल जी ने उसको OBC में शामिल करके जो है उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि गोजाल जी की है। और ज्यादा विकास की बात है भाई, जो एक विधायक को करना चाहिए वो उन्होंने करा ही है यहाँ पे काम। और जैसे हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल में खैर डॉक्टर्स वगैरह की बहुत टोटा है, बहुत कमी है डॉक्टर्स की, और विधायक जी इस बारे में बोलते कि भाई ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन आने वाले विधायक जो भी होंगे उनसे मेरी यही उम्मीद होगी कि जो श्रीनगर की जो भी समस्या है उनको पूरा करेंगे, ये मेरी आशा है उनसे। बिल्कुल, अगर विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर की बात की जाए तो दिक्कतें बेशुमार हैं, कई तरह की जो समस्या है वो साफ नहीं हो पा रही। आपसे जान लेता, आपको क्या कुछ कहना है श्रीनगर क्षेत्र को लेकर? सबसे पहले तो मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे विधायक जी ने श्रीनगर विधानसभा के लिए कुछ भी नहीं किया, युवाओं के लिए तो जीरो है। युवाओं के लिए रोजगार, उनके चुनावी मैनिफेस्टो में था कि मैं रोजगार दूंगा, तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्या रोजगार उपलब्ध कराए आपने युवाओं के लिए? इस 5 साल के दौरान इन्होंने कुछ नहीं किया, और 4.5 साल के बाद 6 महीने ये सक्रिय हुए, तो 6 महीने सक्रिय में क्या किया इन्होंने बताएं? हमारे हॉस्पिटल की स्थिति वैसे की वैसी है, हमारे स्टेडियम की स्थिति वैसे की वैसी है, हमारे हमने अब जो चाल हमने जो सेंट्रल से स्वीकृत कराया, हमने आंदोलन किया उसके बाद जो है ये स्वीकृत हुआ, ये पुल की गति जो बड़ी है ये हमारे कहने से सेंट्रल से पैसा आया और उसके बाद ये काम हुआ है, और क्योंकि किसी काम में ये सफल नहीं हुए और इस बार इनको इस चुनाव में मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है।